हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं मोहम्मद हफीज़ द प्रोफेसर। वीडियो देखेंगे, उनकी लास्ट कॉन्फ्रेंस वीडियो देखेंगे जो रिटायरमेंट के टाइम की कॉन्फ्रेंस है। आज उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। द प्रोफेसर पाकिस्तानी टीम के वो प्रोफेसर कहलाए जाते थे, एंड प्रोफेसर का मतलब आप समझते हैं, अगर आपने मनी हाइस्ट देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर की कितनी बड़ी अहमियत है। सब कुछ चलाने वाला, सब जगह दिमाग चलाने वाला, सबसे काम करवाने वाला, सबको मुसीबतों से निकलवाने वाला, आप समझ सकते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब सारी चीज़ों की नॉलेज रखने वाला बंदा, मोहम्मद हफीज़। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बल्लेबाज की कमजोरी तस्वीर किया जा रहा है। कमजोरी समझ रहे हैं कि वो डिफेंस करते हुए बोल्ड हुए थे। ये मूछे क्या बात है, कड़क खड़ी मूछे। ये बहुत अमीर भी हैं, इनका वीडियो देखा था कुछ दिन पहले। मूछे को ताव देते हुए विकेट विकेट के बाद। ये इनकी ज़िंदगी के कुछ खुशनुमा पल हैं जो इन्होंने अपने 18 साल पहले ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र जो मैंने शुरू किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, उसको आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ अपनी रिटायरमेंट ऑफिशियली। बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ और ग्रेट प्राइड के साथ, क्योंकि मैंने कोशिश की अपने 18 साल की कैरियर में मैं पाकिस्तान की तरफ से जो भी खेलूं, जितना भी खेलूं, उसमें जो डिग्निटी और प्राइड है पाकिस्तान की वो हमेशा टॉप पे रहे। तो मैंने हमेशा कोशिश की अपने ऑन एंड ऑफ द फील्ड, अपनी हर तरह की एक्टिविटी में, कि हमेशा पाकिस्तान का फ्लैग हाई रहे। इस खूबसूरत सफ़र में मैं कुछ साथी हैं जिनको ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे वालदैन जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक मुश्किल फ़ैसला, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो वहाँ से छोड़ के क्रिकेट खेलने का, वालदैन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और उनकी दुआओं के साथ आज मैं इस काबिल बना कि पाकिस्तान के लिए 18 साल की क्रिकेट खेल सका। 18 साल। इसके साथ साथ मेरे दो क्लब जिनसे मैंने क्रिकेट शुरू की, सरगोधा में फैसल क्रिकेट क्लब, मरहूम अमजद सुहेल साहब, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वेरी अर्ली स्टेज पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर लाहौर के अंदर अपोलो क्रिकेट क्लब के मलिक सैवर साहब, इन दोनों शख्सियत ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया मेरे कैरियर के इनिशियल स्टेज के ऊपर से लेकर आज तक।
उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने तमाम प्लेयर्स जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेली स्टार्टिंग फ्रॉम माई क्लब क्रिकेट टिल नाउ, तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ, तमाम कोचेस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑब्वियसली मीडिया के तमाम मेरे साथी, इन तमाम लोगों ने मेरे कैरियर के अंदर हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन तमाम की एफ़र्ट्स का कि मुझे उन्होंने हर उस मौके पर सपोर्ट किया जहाँ मुझे ज़रूरत। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने अपने कैरियर से, अपनी अचीवमेंट से, अचीवमेंट पाकिस्तान की। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटायरमेंट का मैं ऐलान करता हूं। और आप सबसे यही गुजारिश है कि अब आप जो भी मेरे से सवाल करना चाहते हैं आप ज़रूर पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके जवाबों को सेटिस्फाई कर सकूं। इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली एक इतना एक तो उसके साथ अटैचमेंट थी एक अजीब सी जिंक्स के हम लोग उनको वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके। तो मैंने ज़ाती तौर पर मैंने अपने मैनेजमेंट को भी बताया, मैंने कहा मैंने इस मरतबा दुआ की अल्लाह ताला से कि अगर ज़िंदगी में मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर होना है कि हमने उनको हराना है, तो अगर ये होना है तो या अल्लाह मेरी मौजूदगी में ही हो जाए। तो वो अल्लाह ने वो करवाया, मैं खुश हूँ कि उसके अंदर मैं उसका हिस्सा था और हम लोगों ने पाकिस्तान ने वो जो ICC वर्ल्ड कप में जीतने वाला जो एक जिंक्स है उसको हमने तोड़ा। अपने करियर से इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैं बीच में बोला भी था कि सबसे बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन। आप बड़ा काम कर गए हो या फिर आपका बहुत बड़ा नाम हो या फिर आपका मीडियम टाइप का करियर हो या फिर आप उससे भी थोड़ा नीचे हो, आप अच्छा करे हो, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स दिए हो किसी चीज़ को, अपनी टीम के लिए, अपने करियर के लिए, आप किसी भी फील्ड में हो, आपने सब कुछ दिया है अपने अपने काम को, अपनी अपने पैशन को, अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और चाहे उसमें आप उस लेवल के सक्सेसफुल इंसान रहे हो या ना रहे हो, जैसे कि दूसरे हैं उनसे कंपेयर करेंगे आप तो कभी आप खुश नहीं रह पाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं फील करेंगे अपने आप में अपने अंदर से। तो ये बहुत सही बात है मोहम्मद हफीज़ की कि वो सेटिस्फाई होकर रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब करियर या फिर डाउनफॉल होते हुए बिल्कुल बर्बाद हो गया करियर तब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, सही टाइम पर सही चीज़ करके उन्होंने रिटायरमेंट लिया। एंड 18 साल किसी टीम को दे देना एंड बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बहुत बड़ा टाइम होता है 18 साल का। अच्छा करियर रहा है इनका, इंडिया से जीत के मौका चाहते थे कि वो टीम में हों तब इंडिया से जीते और इन्हें मौका मिला था इन्होंने जैसा बताया। तो ओवरऑल एक ट्रिब्यूट वीडियो थी जो एक खुशनुमा पल थे इनकी ज़िंदगी के, ऑन ग्राउंड वो चीज़ें एंड अपनी मूंछों को ताव देना बार बार, वो चीज़ सेलिब्रेशन में जो दिखती है अंदर से निकल के आती है एक इंसान की, जो खुशी होती है सबसे बड़ी वही होती है एक प्लेयर के लिए, एक क्रिकेटर के लिए, जो ऑन ग्राउंड की कुछ अचीव करने के बाद, चाहे वो विकेट गिरा हो, चाहे सेंचुरी मारी हो, रन मारे हो या फिर टीम जीती हो। सब आप सेटिस्फाई हैं इनके रिटायरमेंट से या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।